हेलो वॉल्व क्रिएटर्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। हो सकता है कि आप ट्राई कर रहे हो कि आपने कॉइन डीसीएक्स, वजीर एक्स, कॉइन स्विच जैसे एक्सचेंजेस को यूज करना बंद कर दिया हो, सिर्फ ये सोचकर कि शायद हमें यहाँ पे टीडीएस पे करना पड़ रहा है, फीस भी बहुत ज्यादा लग रही है। लेकिन अगर हम फॉरेन एक्सचेंजेस यूज करते हैं तो हमें क्या है कि टीडीएस पे नहीं करना पड़ेगा। टीडीएस के साथ साथ हमारी कितनी इन्वेस्टमेंट है, हम कितना डिपॉजिट कर रहे हैं, कितना विड्रॉ कर रहे हैं और कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, ये भी शायद गवर्नमेंट के पास इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी। लेकिन अभी बिल्कुल इसके उल्टा होने जा रहा है, यानी कि अब गवर्नमेंट के पास क्या है कि पूरी इन्फॉर्मेशन जाने वाली है। आज तक क्या था कि सिर्फ और सिर्फ 28 क्रिप्टो सर्विस प्रोवाइडर्स थे, यानी कि सिर्फ 28 ही ऐसी एक्सचेंजेस थी जो कि इंडियन एक्सचेंजेस थी या फिर इंडियन प्रोजेक्ट थे। हो सकता है कि इनमें से कुछ बाहर के भी हों, लेकिन क्या है कि वो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट FIUI के अंडर रजिस्टर्ड थे, जिसकी वजह से वहां पे टीडीएस भी लग रहा था और हमारा जो डेटा है वो पूरा का पूरा गवर्नमेंट के पास भी जा रहा था। यहाँ पे गवर्नमेंट ने इसलिए ऐसा किया है ताकि कोई भी अगर यूजर की ट्रांजैक्शन चाहिए, कोई भी डेटा चाहिए, किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर हो या फिर टैक्स की चोरी को लेकर हो, तो वो सारा का सारा इन एक्सचेंजेस के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा था। यानी कि वजीरेक्स ने भी यहाँ पे हमेशा बताया कि वो क्विक रिस्पांस देते हैं जब भी गवर्नमेंट उनसे कुछ भी मांगती है। जहाँ जनरली कोई भी एक्सचेंज हो, किसी भी कंट्री की कोई भी एक्सचेंज हो जो कहीं पर भी रजिस्टर्ड है, चाहे वो US में बाइनेंस से क्यों ना हो, उनको क्विक रिस्पांस देना पड़ता है। यानी कि पूरी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन हुई है तो वो कहां से कहां पे ट्रांजैक्शन हुई है, किस वॉलेट से किस वॉलेट में गई है। तो अभी तक हम सिर्फ फॉरेन एक्सचेंजेस यूज करके बच रहे थे, लेकिन अब ये सब कुछ बंद होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बुरा होने वाला है, यानी कि बहुत बड़ा झटका है किसी भी क्रिप्टो ट्रेडर के लिए, क्रिप्टो इन्वेस्टर के लिए, चाहे आप एक वॉलेट ही क्यों नहीं यूज कर रहे हैं। यानी कि अगर आप वेब 3 को यूज कर रहे हो या फिर डेक्स को यूज कर रहे हो, तब भी आपको सामने आना ही पड़ेगा, आपका पूरा डाटा रिलीज करना ही पड़ेगा। ये मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, और बाकी अपडेट्स मैं टेलीग्राम के ऊपर डालता रहता हूँ, वॉल्व ट्रेड ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जहाँ पे हर एक अपडेट सबसे पहले मिलने वाली है। तो आप देख सकते हैं कि ये जनरली कैब होता है जब BTC बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, जब क्रिप्टो करेंसी मार्केट बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही होती है। आप देख सकते हैं अभी जो मार्केट कैप है $1.6 trillion के आसपास पहुंच चुके हैं, इससे पहले ये 1.3 से लेकर 1.4 के आसपास चल रहा था, और जब बिल्कुल ही बेरिश मार्केट थी तब ये 1 trillion से भी नीचे चला गया था। अभी आप डोमिनेंस देख सकते हैं BTC की 54% के आसपास पहुंच चुकी है। आप देख सकते हैं मार्केट अच्छी परफॉर्म जब भी करती है, हमेशा गवर्नमेंट तब कोई ऐसा एक्शन लेती है कि जो भी यूजर्स हैं, जो भी इन्वेस्टर्स हैं, उनकी ट्रेडिंग को, उनकी इन्वेस्टमेंट्स को किसी न किसी तरीके से रोकने के लिए वो कोई ना कोई एक्शन लेते ही लेते हैं। तो यहाँ पे एक डेटा रिलीज किया गया जिसमें बताया गया कि कंट्री के जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट हैं उनके अंडर सिर्फ 28 क्रिप्टो सर्विस प्रोवाइडर्स ही रजिस्टर्ड हैं, जिनमें ये हर एक तरह के एक्सचेंज और बाकी प्रोजेक्ट्स भी आते हैं, जैसे कि कॉइन स्विच है, वजीरेक्स है, ज़ेप्पे, बिटपीएनएस है, जियोटस है, उनो कॉइन है। इसी के साथ साथ कुछ छोटी मोटी एक्सचेंजेस भी है, जैसे कि सन क्रिप्टो आ जाती है, बायू कॉइन आ जाती है, जिनके ऊपर ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम तो नहीं रहता, लेकिन ये सारी 28 प्रोजेक्ट जो हैं ये सारे के सारे रजिस्टर्ड हैं अंडर गवर्नमेंट। तो यहाँ पे दो चीज़ों का खास ध्यान रखा जा रहा है, आप यहाँ पे ध्यान से सुनना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। AML एंड CFT, यानी कि ये दोनों चीज़ें क्या करती हैं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का ध्यान रखती हैं, और इसी के साथ CFT की जो बात है वो है काउंटरिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, यानी कि जो टेररिज्म का फंडिंग करी जा रही है उसके ऊपर भी ध्यान रखते हैं। अब मैं आपको इसकी एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, जो आज से 1-2 साल पहले कई बार ऐसा हुआ है कि वजीरेक्स के ऊपर पहले क्या था कि वजीरेक्स से बाइनेंस के ऊपर जो ऑफ चेन एसेट ट्रांसफर से वो बिल्कुल फ्री थे, यानी कि आप इजीली वजीरेक्स से बाइनेंस और बाइनेंस से वजीरेक्स के ऊपर 1 सेकंड में कर सकते थे, और उसका बहुत ही गलत फ़ायदा उठाया गया। यानी कि इंडिया से बहुत सारा पैसा वजीरेक्स के ऊपर डाल के और उसको बाइनेंस पे लगाया गया, और बाइनेंस क्या कि आगे वो सेल कर देगा या फिर वो ज़्यादातर चाइना में डाला गया। अब यहाँ पे दो चीज़ें हो रही थी, यानी कि मेनली जो पैसा जा रहा था वो चाइना में जा रहा था, एक तो बात ये है, दूसरा ये था कि यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग बहुत ही आसान हो गई थी, तीसरा ये कि टेररिज्म फंडिंग और भी ज़्यादा आसान हो गई थी। इन तीनों चीज़ों को रोकने के लिए क्या है कि धीरे धीरे वजीरेक्स का बाइनेंस के ऊपर जो ट्रांसफर से उनके ऊपर कुछ चार्जेस लगाए गए या फिर बंद भी कर दिए गए थे कुछ टाइम के लिए। और वैसे भी वजीरेक्स और बाइनेंस की बननी रही है बहुत लंबे समय से, हम देख पा रहे हैं कि WRX टोकन किसका है किसका नहीं है, वजीरेक्स किसका है किसका नहीं है, अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ है। हालांकि वजीरेक्स ने काफ़ी बार बहुत बार प्रूफ भी दिए कि वजीरेक्स बाइनेंस का ही है, लेकिन वो अपनी ओनरशिप एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, जिस कारण WRX के बर्न्स भी बहुत लंबे समय से पेंडिंग पड़े हैं, ना तो बर्न हुआ है और ना ही WRX की वैल्यू ऊपर गई है, क्योंकि WRX को टेक्निकली कहीं पर भी यूज़ नहीं किया जा रहा है।
जिस कारण जो निश्चल शेट्टी है या फिर उनकी वजीरक्सी पूरी जो टीम है वो पूरी फोकस्ड है शाडेम के ऊपर। तो ये एक बिल्कुल लक्ष्य टॉपिक है, इसके ऊपर हम डिस्कशन नहीं करेंगे। लेकिन मेरा कहना यह है कि अभी इस मनी लॉन्ड्री को रोकने के लिए क्या कि डायरेक्टली जो बाकी एक्सचेंजेस है जैसे कि बाइनेंस हो गया, OKX एक्सचेंज हो गया, इसी के साथ साथ अगर हम बात करें MEX एक्सचेंज है, हॉबी HTX एक्सचेंज है, ऐसे काफ़ी सारे एक्सचेंजेस को भी अंडर सेम एक्ट आना ही पड़ेगा, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर इनको काम करना पड़ेगा, जिससे क्या कि पूरा का पूरा डेटा रिलीज करना पड़ेगा गवर्नमेंट को अगर वो इंडिया में काम करना चाहते हैं। तो इसका सिर्फ एक ही तरीका होगा कि उनको पूरा डेटा भी रिलीज करना पड़ेगा। एंड वन थिंग मोर कि जो TDS है, TDS हम कितने लंबे समय से बच रहे थे, वो TDS अब देना ही पड़ेगा इन फॉरेन एक्सचेंजेस के ऊपर भी। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली बोला है, तो प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर द सेट VDAs SPAs हैज बीन इनिशिएटेड, एप्रोप्रिएट एक्शन अंडर PMLA शैल बी इनिशिएटेड इन केसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स। तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही वर्ड बहुत ही हाईलाइटेड दिख रहा है, वो है ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स, यानी कि जो फॉरेन एक्सचेंजेस हैं, फॉरेन जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा ताकि किसी भी तरह की मनी लॉन्ड्रिंग ना हो। आप देख रहे होंगे कि कई महीनों से, इवन हम बोल सकते हैं 2-3 सालों से क्या हो रहा था कि बहुत बार हम बाइनेंस को यूज़ करके वहीं पे P2P यूज़ करके पैसा USDT को सेल ऑफ कर रहे थे या फिर USDT को बाय कर रहे थे। अब उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम आई, क्या कि हमारे जो बैंक अकाउंट से वो फ्रीज़ किए जा रहे थे, और ये फ्रीज़ सिर्फ इसलिए किए जा रहे थे कि कोई ना कोई बीच में स्कैमर रहता है, कोई ना कोई फ्रॉड करने वाला रहता है, टेररिज्म को फंडिंग करने वाला होता है, ऐसे काफ़ी सारे जो क्रिमिनल्स होते हैं वो भी इसको यूज़ करते हैं, और उनसे अगर हम USDT सेल करते हैं, उनसे अगर हम INR ले लेते हैं अपने अकाउंट में, तो फिर हमारा INR वाला अकाउंट या फिर कोई भी हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहा था। यानी कि बाइनेंस जैसी एक्सचेंजेस को यूज़ करना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, लेकिन अब इसको और भी ज़्यादा मुश्किल बना दिया जाएगा, क्या है कि ऑफशोर क्रिप्टो एक्सचेंजेस को पूरी गाइडलाइंस एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट को फॉलो करना ही पड़ेगा, जिससे एक चीज़ साबित क्या हो रही है कि हमें TDS भी पे करना पड़ेगा। अगर हम TDS पे नहीं करते हैं तो क्या है कि हमें मैनुअली पे करना पड़ेगा, यानी कि डायरेक्टली अगर वहाँ पे नहीं ऑटोमेटिकली पे हो रहा है तो मैनुअली पे करना पड़ेगा, वरना गवर्नमेंट हमारे अगेंस्ट एक्शन भी ले सकती है। तो ये सब कुछ सामने आया है, लेकिन यहाँ पे 28 आप देख सकते हैं, 28 के 28 क्या है कि अंडर गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, अंडर एक एक्ट जो रजिस्टर्ड है, लेकिन अब बाकी के एक्सचेंजेस जो हैं उनको भी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। तो हमारा जो क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग का फ्रीडम है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, इसी के साथ साथ जो वॉलेट्स हैं उनको भी यूज़ करने में अब दिक्कत आएगी। एक और चीज़ मैंने नोटिस करी थी कि VZRX के ऊपर अगर आप किसी भी एड्रेस के ऊपर अपने फंड्स को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, एसेट्स को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको एड्रेस भी डालना पड़ेगा, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, ये भी बताना पड़ेगा कि क्या वो एड्रेस आपका है या नहीं। यहाँ पे एड्रेस मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका कोई भी, फॉर एग्जांपल इथेरियम का एड्रेस है, BTC का एड्रेस है, USDT का एड्रेस है, तो आपको बताना पड़ेगा वहाँ पे, हर एक चीज़ क्लियर करनी पड़ेगी, उस एड्रेस को रजिस्टर्ड या फिर ऐड करना पड़ेगा ताकि VZRX के पास इन्फॉर्मेशन जाए, एंड इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट के पास भी इन्फॉर्मेशन जाती है। तो धीरे धीरे सब कुछ डिसेंट्रलाइज की जगह सेंट्रलाइज होता जा रहा है, और जो वॉलेट्स हम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ भी आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप Web3 वॉलेट यूज़ कर रहे हैं बाइनेंस के ऊपर, तो बाइनेंस हमेशा गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करता है, रिपोर्टिंग भी प्रॉपर करते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बाइनेंस हमारी जितनी भी डिटेल्स हैं, चाहे वो Web3 की हो, चाहे वो स्पॉट वॉलेट की हो, जो नॉर्मल वॉलेट है, वो सारी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को भी देने वाला है। लेकिन आपका क्या मानना है इसके बारे में, एक बार नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। किसी भी एक्सचेंज के बारे में, किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर आपको डिटेल चाहिए, तो मैं पूरी रिसर्च करके आपको नेक्स्ट वीडियो ला कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है, अच्छा लगा है, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, और इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन हमेशा पहुंचते रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।